फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था और तब से लेकर अब तक ये युद्ध चल ही रहा है। इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए हैं जबकि अरबों डॉलर की संपत्ति और हथियार स्वाहा हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद नेटो के सपोर्ट की वजह से यूक्रेन अभी भी पुतिन के सामने डटकर खड़ा हुआ है। लेकिन इस युद्ध में एक दौर ऐसा भी आया था जब यूक्रेनी सेना ने रूस को खदेड़ दिया था और रूस के पास हथियार और सैनिकों की भारी कमी पड़ गई थी, और तब ईरान रूस के लिए एक संजीवनी बनकर आया था। ईरान ने रूस को अपने हजारों घातक कामिकेज ड्रोन दिए थे जिनके दम पर रूस ने इस युद्ध की दशा और दिशा दोनों ही बदल दिए थे। और अब एक बार फिर से ईरान पर रूस को हथियार सप्लाई करने का आरोप लगा है। दरअसल अमेरिका ने आधिकारिक रूप से ईरान के ऊपर रूस को कम दूरी वाली फतेह 360 बैलिस्टिक मिसाइलें देने का आरोप लगाया है और अमेरिका ने इसके चलते ईरान के ऊपर ताजा प्रतिबंध भी लगा दिए हैं। इसको लेकर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि रूस को ये बैलिस्टिक मिसाइलों की खेप मिल चुकी है और संभवतः वो इनका इस्तेमाल यूक्रेन में यूक्रेनियों के खिलाफ करेगा। अमेरिका का कहना है कि रूस को ईरान से फतेह 360 क्लोज रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों की खेप मिल चुकी है जिसे वो हफ्ते भर के भीतर यूक्रेन के खिलाफ तैनात कर सकता है। इसको लेकर अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता पैट्रिक राइडर ने एक बयान भी दिया है। The United States has confirmed reports that Iran has transferred shipments of Fatah 360 close-range ballistic missiles to Russia, which we assess could employ them within weeks against Ukraine, leading to the deaths of even more Ukrainian civilians. To echo our State Department and White House colleagues, this is a deeply concerning development as this partnership between Iran and Russia threatens European security and illustrates how Iran's destabilizing influence reaches beyond the Middle East and around the world. Additionally, Russian support for Iran is destabilizing as well, as Moscow is sharing technology that Iran needs. We'll continue to monitor these developments alongside our allies and partners across Europe and the Middle East, and remain steadfast in our support to Ukraine's defense from the threat these missile systems may pose to the people of Ukraine. वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि रूस ईरानी मिसाइलों के दम पर फ्रंट लाइन से और आगे बढ़कर हमला करेगा। हालांकि ईरान ने अमेरिका के इन आरोपों से इनकार किया है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने एक बयान देकर कहा कि संघर्ष में शामिल पक्षों को सैन्य मदद देना जिसकी वजह से जानमाल के नुकसान में इजाफा हो, बुनियादी ढांचे का विनाश हो और युद्ध विराम वार्ता से दूरी बनती हो, उसे हम अमानवीय मानते हैं। इसलिए ईरान न सिर्फ इस तरह की कार्रवाई से परहेज करता है बल्कि अन्य पक्षों से भी युद्ध में शामिल पक्षों को हथियार की सप्लाई बंद करने का आह्वान करता है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के आरोपों पर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कन्नानी ने कहा कि हम मजबूती से युद्ध में एक पक्ष को हथियार सप्लाई करने की भूमिका के दावे का खंडन करते हैं। ईरान पर आरोप लगाने वाले खुद युद्ध में एक पक्ष के सबसे बड़े हथियार सप्लायर हैं। ईरान यूक्रेन में युद्ध का हिस्सा नहीं है। पहले ही रूस के भीषण हमलों से जूझ रहे यूक्रेन के लिए अब एक बड़ी मुसीबत खड़ी होने को है। और आखिर ईरान की इन मिसाइलों से अमेरिका को इतनी टेंशन क्यों है? तो आपको बता दें कि अब ईरान की फतेह 360 मिसाइलें यूक्रेन में और बड़ी तबाही ला सकती हैं। इसको लेकर भारतीय रक्षा विशेषज्ञ विजेंद्र के ठाकुर का कहना है कि सटीकता के मामले में फतेह 360 मिसाइल अमेरिका की हिमार्स के पीछे है, लेकिन इनकी 30 मीटर वाली सटीकता अभी भी यूक्रेन के लिए खतरा बन सकती है। फतेह 360 मिसाइल रूस की अधिक महंगी मिसाइलों के लिए एक किफायती और प्रभावी विकल्प है।
आपको बता दें कि रूस यूक्रेन में इस्कंदर एम और दूसरी अन्य मिसाइलों से हमले कर रहा है जिनकी लागत काफी ज्यादा है, और ऐसे में ईरान की ये मिसाइलें उसके लिए न सिर्फ बेहद ही सस्ती बल्कि एक अच्छा विकल्प भी है जिससे वो पैसों की बचत कर सकता है। आपको बता दें कि एक इस्कंदर मिसाइल की कीमत करीब $4 मिलियन तक जाती है जिसकी तुलना में फतेह 360 रूस के लिए कहीं ज्यादा किफायती सौदा है जिससे वो इन सस्ती मिसाइलों से यूक्रेन के भीतर और ज्यादा हमले कर सकता है।